हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। साथियों, आज यह वीडियो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार सभी साथियों के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो गुड इवनिंग। आज है 17 जनवरी 2024। आप लोगों के लिए ये रात अंतिम, ये रात भारी हो सकती है, क्योंकि बिहार के साथियों को फाइनली परिणाम मिल चुका है। अब बारी है मध्य प्रदेश का जाना माना और मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के डियर साथियों के लिए ये वीडियो स्पेशल होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। देखिए साथियों, यह वीडियो छत्तीसगढ़ के साथियों के लिए बनाने जा रहा हूँ। यह वीडियो मध्य प्रदेश के साथियों के लिए भी उतना ही लाभदायक होगा जितना छत्तीसगढ़ के साथियों के लिए लाभदायक है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, छत्तीसगढ़ में फैसला जो लास्ट बार सुनवाई हुई थी, एग्जाम तक के माध्यम से आपको सुनवाई गई थी, उसमें यही बोल दिया गया था 18 और 19 जनवरी को सुनवाई होगी और उसमें फाइनली फैसला रिजर्व कर दिया जाएगा। और सरकार से भी जो पक्ष लिया गया है वो पक्ष आ चुका है। सारी चीज़ें जो होनी थी वो हो चुकी हैं। अब फाइनली आर्ग्यूमेंट होना बाकी है। तो ये जो सुनवाई होगी, इसमें क्या होने के चांस रहेंगे, मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा, संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा। उसके पहले विस्तार से जाता हूँ पुरानी बातों पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये लड़ाई डीएड वर्सेस बीएड की लड़ाई शुरुआत होती है कहाँ से, राजस्थान के माननीय जोधपुर हाईकोर्ट से। जोधपुर हाईकोर्ट इसकी शुरुआत करता है 25 नवंबर 2021 को। ये जोधपुर हाईकोर्ट में 25 नवंबर 2021 को सुनवाई होने के बाद फाइनली डीएड यानी कि बीएसटीसी राजस्थान को जीत मिलती है। जीत मिलने के बाद तुरंत वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में फाइनली काफ़ी जद्दोजहद चलती है, सुनवाई चलती है, सुनवाई का दौर लगातार चलता रहता है। अब सुनवाई का दौर चलने के बाद एक समय ऐसा आता है, जैसा छत्तीसगढ़ में कल है 10 और 11, मतलब 18 और 19 जैसा छत्तीसगढ़ में, ऐसा ही आता है 10 जनवरी 2023, 11 जनवरी 2023 और 12 जनवरी 2023। 3 दिन डीएड वर्सेस बीएड की सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ये सुनवाई होती है, उसके बाद सुनवाई होने के बाद दोनों पक्षों को सुना जाता है, डीएड को भी सुना जाता है, बीएड को भी सुना जाता है, एनसीटी को भी सुना जाता है, सरकार को भी सुना जाता है। सभी को सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर दिया जाता है। आप साथियों, तो आप तक आऊंगा, आप चिंता ना करें। जैसे फैसला रिजर्व होता है, फिर इतने में छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाती है। छत्तीसगढ़ के नोटिफिकेशन वगैरह जारी होते हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूरी प्रक्रिया चलने लगती है। एग्जाम कंडक्ट होते हैं। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद रिजल्ट आता है। जैसे रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि 11 अगस्त 2023 का फैसला दे देता है। उसी टाइम छत्तीसगढ़ के रिजल्ट आना होता है। तो 11 अगस्त 2023 को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, तो बिलासपुर हाई कोर्ट फाइनली डीएड वालों की, जहां तक छत्तीसगढ़ के साथी अगर जुड़े हो, मैं जो बता पा रहा हूँ ये सही हो गलत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका नाम और किस जिले से, ये बताइएगा। जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो फाइनली छत्तीसगढ़ के जो हाईकोर्ट द्वारा बोल दिया जाता है कि सिर्फ डीएड वालों की मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, उनके दस्तावेज सत्यापन किए जाते हैं। इस प्रकार से डीएड वालों के लिए प्रोसेस जारी कर दी जाती है। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ के बीएडधारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं आनन फानन में, और डीएडधारियों को पता भी नहीं लगता, और वहां पर ये केस लिस्टेड कराकर तुरंत सुनवाई करवा लेते हैं। जैसे वो लोग तुरंत सुनवाई करते हैं, तो फाइनली वहां से अंतरिम राहत मिल जाती है बीएड के साथियों को। अंतरिम राहत मिलने के बाद बीएड वाले साथियों को फिर से हाई कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट जब ऐसी राहत दे देता है, तो फिर वो डायरेक्शन दे देता है, तो बीएड के साथियों को
डीएड के साथ गलत होता होने लगता है और बीएड के साथियों को साथ में कर लिया जाता है, यानी कि डीएड और बीएड दोनों की मेरिट लिस्ट के लिए ऐसा हो जाता है। फिर दोनों की मेरिट लिस्ट बनती है डीएड और बीएड की और डॉक्यूमेंट सत्यापन होते हैं। सत्यापन होने के बाद फाइनली उनके ज्वाइनिंग आदेश, जो कि संविधान के असंवैधानिक होने के बाद 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आ जाने के बाद छत्तीसगढ़ के बीएड साथियों को ज्वाइनिंग दे दी जाती है और डीएड साथियों को बाहर कर दिया जाता है, यानी कि पात्र अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाता है, अपात्र अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी जाती है। किसके अनुसार? माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। फिर वहाँ के साथियों ने, कौशिक जी हैं, वहाँ के साथियों का प्रयास रहता है, वो प्रयास करते हैं। जैसे वहाँ के साथी प्रयास करते हैं तो फिर उनकी सुनवाई होती है। तो फाइनली जहाँ तक मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में सुनवाई, ये चौथी सुनवाई होने जा रही, मेरी नज़र में शायद चौथी है, बाकी आप बताइएगा सही है गलत है। मेरी नज़र में वहाँ पर डेट थोड़ा लंबी लंबी मिलती हैं। तो फाइनली ये चौथी सुनवाई होने जा रही है। सभी आर्गुमेंट को डीएड संघर्ष समिति ने अच्छे तरीके से रखा और अच्छे मजबूत तरीके से पैरवी की, काफ़ी अच्छी रणनीति के साथ खेल रही है छत्तीसगढ़ डीएड संघर्ष समिति भी, कहीं कोई समस्या नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। तो उन सभी साथियों को मैं यही बोलना चाहूँगा, डीएड संघ सदस्य होने के नाते साथियों आपको धैर्य रखना है और सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि एक दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प ही सफलता की कुंजी है। आपको प्रयास करते रहना है, आपको सफल होंगे। और अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कल आपकी सुनवाई है 18 जनवरी को, तो आपकी सुनवाई के मुझे उम्मीद है कि 11:30 बजे समथिंग आपकी सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपकी सुनवाई स्टार्ट होती है, वो छोड़िए, लेकिन अभी जैसा कि आपको पता है भगवान रामलला जी विराजमान होने जा रहे हैं 22 जनवरी को, और आप जिस किसी भगवान को मानते हो, जिस किसी को भी मानते हो, मैं तो सभी मानता हूँ कि सभी एक हैं, तो जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप भगवान को नहीं मानते तो आपके माता पिता ही आपके भगवान हैं, उनसे बढ़ के कोई भगवान नहीं है। माता पिता को ही मानिए और अपने माता पिता के चरणों में उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे ये कीजिए जो हम डीएड अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय में परिवर्तित करवाइए और हम लोगों को किसी भी कारण अब जीत दिलाइए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम परिणाम नहीं पा पाए। तो अब भगवान से यही निवेदन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई, तो आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। तो मेरे इस बात को शायद आप लोगों को पसंद आएगा और आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जो डीएड संघर्ष समिति के साथी हैं, डीएड के साथी हैं, वो इस बात का जरूर पालन करेंगे और इसकी चीज़ के साथ मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कल उनका ऑर्डर रिजर्व हो जाए, क्योंकि देखिए आपका प्रयास तो आप कर रहे हैं, आप अपना धन तन मन धन हर प्रकार से आपको आपका प्रयास करना है, भक्ति भी करनी है, शक्ति भी दिखानी है, आर्थिक भी उपयोग करना है, और डीएड संघर्ष समिति का साथ देते रहिए। डीएड टीम मजबूती के साथ पैरवी करवाएगी, आपको उसके साथ देते रहना है। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, छत्तीसगढ़ के साथी हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको एग्जाम तक के माध्यम से मिलेगी, मध्य प्रदेश की जानकारी भी आपको यहीं से मिलती, छत्तीसगढ़ की भी आपको यहीं से मिलेगी। सब्सक्राइब कर लें, जितने सारे आपके ग्रुप हैं छत्तीसगढ़ के, उन ग्रुपों में ये चैनल की लिंक जरूर भेजें, जिससे सभी डीएड धारियों तक जानकारी पहुंच जाए। और हाँ, कल 11:30 बजे एग्जाम तक के माध्यम से आपको पूरा लाइव दिखाया जाएगा, पूरी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दिखाई जाएगी, तो उसके लिए आप इंतज़ार करिएगा और इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर भेज दीजिएगा। ऐसी सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।